ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ सारनी दे विच तुहानू उन्हां किसानां दे नाल टकरा दे राह ते ना जाण दी अपील करो जो साडी आबादी दा 60% हिस्सा ने ते पंजाब दी आर्थिकता दी रीढ़ दी हड्डी ने किसानां दे खिलाफ कदे भी किसे ने लड़ाई नहीं जीती उन्हां दे मुद्दयां नू सुलझाउण दे नाल हल करो तुहाडियां 70 तों वध समस्यावां दूर हो जाणगीआं अजिहा कोई विज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो साबित करता होवे कि सीधी बिजाई पानी की बचत करती है इसलिए 80% किसानों की सीधी बिजाई संभव नहीं होवेगी जिन्होंने पराली को साड़ दिता है वह पनीरी की शुरुआत की है उन्होंने 18 ते 10 जून के की फर्क है जेकर बिजली की समस्या है तो किसानों के नाल सच्चे रहो मूंगी ते बासमती ते MSP की घोषणा करन दे लई स्वागत कदम है कृपा करके कैबिनेट बुलाओ तो किसानों विश्वास करन दे लई इसनू सूचित करो दाल ते तेल बीजा वर्गिया विभिन्नता वालिया फसलों ते ध्यान केंद्रित करदिया होया नीति संचालित लंबे समय के हल लवो दालों की दरामद के लिए वरत्या जाण वाला पैसा मार्कफेड राही इस की खरीद विच वरत्या जा सकता है जितों तक मुर्दाबाद का सवाल है तुसी सारी उम्र विरोधी धिर दे विच मुर्दाबाद करते रहे हो कृपा करके अपने कन दे नाल अन्नदाता वल ध्यान देवो ते उहनां नूं सुणो हाल के लिए दिल्ली ना भजो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 विचों 1 काले कानूनों नोटिफाई करके किसानों पिट दिखाने का इतिहास रहा।